हेलो दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट जिस एग्ज़ाम के जिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, और जो भी स्टेट लेवल के गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम का जो है तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस टॉपिक पर जो है आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, जिस टॉपिक में आपको जो है प्रॉब्लम है, आप उस टॉपिक पर वीडियो जो है बनवाना चाहते हैं, आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हम जो है ना उस पर वीडियो बना दें और आपका जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, अभी तक जितना भी पढ़ा है सब के सब आपका बेसिक क्लास था, और जो है अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं आपका सिस्टमेटिक तरीके से जो है सारे टॉपिक पर जो है ना आपको वीडियो जो है ना इस चैनल के माध्यम से पहुंच जाएगा। नंबर सिस्टम जो है आज पढ़ाने वाले हैं, नंबर सिस्टम में कम से कम जो है 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो 1000 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा। अक्सर जो है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा और कुछ जो है ना मॉडल क्वेश्चन जो है। तो अगर आप उस 1000 क्वेश्चन को बना लेते हैं तो नंबर सिस्टम से आपका जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन में नहीं छूटने वाला है, क्योंकि जो है ना सारा क्वेश्चन जो है सेलेक्टिव है, बहुत ही जबरदस्त जो है जबरदस्त क्वेश्चन को सारे टाइप से जो है यूनिक क्वेश्चन को छाट कर जो है ना आप तक जो है ना पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे और जो है ना पूरे बोर्ड पर जो है ना सॉल्व करने वाले हैं। तो इस चैनल से जो है ना आप लोग जुड़ जाए और फटाफट सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाए, जरूर ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि जो है ना आप तक जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, उस पर जो है ना वीडियो आप तक जो है ना पहुंचा दे। और जो भी जो है डाउट हो, जिस टॉपिक पर जो है ना अगर आपको जो है ना डाउट हो रहा है, तो आप जो है कमेंट कीजिए कि सर इस टॉपिक पर जो है ना वीडियो बना दीजिए, हमको जो है इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उस टॉपिक पर जो है ना वीडियो बना देंगे। तो चलिए देखिए, ये जो है ना क्वेश्चन पूछ रहा है, ये लंगड़ा वाला भिन्न है, ये लंगड़ा वाला भिन्न है, और बिहार एसएससी में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये जो है ना 1/2 है, कंप्लीट बाय 1+1/1 कहने का मतलब 1 ही होता है, और देखिए कंप्लीट बटन क्या हो गया 1+1/4। तो लंगड़ा वाले भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो देखिए इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 2, 3 / 2। एकदम वीडियो को जो है एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, एकदम वीक से वीक, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखकर आराम से समझ सकता है, जिसका मैथ जो है बहुत ही सरा हुआ है, एकदम बहुत ही कमजोर स्टूडेंट है, वो जो है इस चैनल से अगर जुड़ जाता तो मैं 100% जो है गारंटी देता हूँ कि वो मैथ्स में जो है ना जबरदस्त हो जाएगा और वो मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर करने लगेगा। तो आप जो है ना इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से खूब ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, इस चैनल से ज्यादा फायदा उठाए। तो देखिए 1+1/1 है, 1/1 कहने का मतलब होता है 1। अब देखिए ये हो गया 1+1 क्या है, 1+1/4 है, तो 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4 ही हो जाएगा। तो देखिए 4 × 1 = 4 और ये हो गया 1, तो कितना हो गया 5 / 4। तो 5/4 है तो नीचे वाला जो 4 आता है वो ऊपर में चला जाएगा। अब देखिए 3/2 है, और ये देखिए जो नीचे वाला 5 है वो ऊपर में चला जाएगा, बटन कितना हो गया 5 × 5 = 9 हो गया, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। अब देखिए ये जो है 3/2 है, तो ये 3 × 3 = 9 कट जाएगा 3 बार में, तो कितना हो गया 5/6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी 5/6। अब देखिए यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध 8 है तथा हरात्मक माध 6.4 है, तो संख्याएं हैं, ये भी जो है बिहार एसएससी में 2011 में पूछा गया था, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए ये जो है बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध यानी कि जी एन कितना है, 8 है, तो गुणोत्तर माध का जो है फॉर्मूला क्या होता है, √ab। तो देखिए √ab बराबर में कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। अब दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो दोनों साइड में जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हरात्मक माध कितना दे रहा है, 6.4 है, दो संख्याएं ज्ञात करें, तो हरात्मक माध जो है फॉर्मूला क्या होता है, 2xy या 2ab / a + b = जो है आपका कितना है, 6.4 है, तो 6.4 को लिख देते हैं। अब देखिए जब ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो बट्टा में जो है एक जीरो आएगा, एक पर एक जीरो आ जाएगा,
तो देखिए ये जो है ना दो से जो है ना ऐसे कीजिए, ए बी का वैल्यू कितना आया है 64 आया है, 64 लिख देते हैं बट्टा में। देखिए ए प्लस बी बराबर में हो गया 64/10, ये 64 से 64 कट गया तो दो बचा यहाँ पर, 10 दूना कितना हो गया 20, तो ए प्लस बी बराबर में कितना हो गया 10 दूना 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, तो 10 में 2 से गुना किया तो 20 हो गया, ए प्लस बी में 1 से गुना किए तो ए प्लस बी ही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना ए बी बराबर में 64 है और ए प्लस बी बराबर में 20 है, यानी कि ए और बी के जगह पर हम क्या ले लेंगे ताकि जो है ना जोड़ने पर 20 हो जाए और गुना करने पर 64 हो जाए, तो वो नंबर कौन सा है देखिए ऑप्शन से ले लेते हैं, बाई ऑप्शन लेते हैं 4 और 16 ले लेंगे, जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी हो गया। अब देखिए उसके बाद रूट अंडर माइनस 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस 8 रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3 का मान ज्ञात करना है, कैसे सॉल्व करेंगे ये जो है वर्गमूल निकालना है इसका, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए रूट अंडर माइनस रूट 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस यहाँ 8 लगा हुआ है और रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो देखिए 4 रूट 3 कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 into 2, तो 2 into 2 अगर हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 जो है ना हम 12 में रहने देते हैं और 2 को अंदर में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 तीन का कितना हो गया 12 हो गया, क्योंकि इस तरह का जो है ना वर्गमूल निकालना हम बेसिक आपका जो है ना बेसिक मैथ्स में पढ़ा दिए है और ये वाला जो है ना खूब अच्छे से जो है समझाए भी है, और नहीं समझ में आया होगा तो जो है ना आप हमारा मेरे वीडियो में जाकर जो है ना पीछे वाला वीडियो में जाकर जो है ना जरूर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको वर्गमूल के बारे में स्क्वायर रूट के बारे में, ये वाला वर्गमूल जो है ना सिखा चुके हैं। अब देखिए रूट अंडर माइनस रूट 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस यहाँ देखिए 8 है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना 2 इसलिए लगाए हैं क्योंकि इस तरह का वर्गमूल निकालने के लिए जब पर भी बोलता है तो उस रूट के जस्ट पहले जो है ना 2 लगा हुआ होना चाहिए, तब ये जो है ना ये इसका जो है ना वर्गमूल इस टाइप का वर्गमूल निकल पाता है परफेक्ट रूप से। और यहाँ पर जो है ना ये देखना है कि वैसा दो नंबर को जो है ना जोड़ना है कि जोड़ने पर जो है ना 7 हो जाए और उसी को गुना करने पर 12 हो जाए, तो वैसा दो नंबर कौन सा है 4 है और 3 है, 4 3 7, 4 3 का 12 हो गया, तो देखिए 4 का जो है ना और दोनों का जो है ना वर्गमूल का चिन्ह लगा लगा कर छोड़ देंगे, ये हो गया इसका वर्गमूल। अब उसके बाद देखिए रूट अंडर माइनस रूट 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस यहाँ देखिए यह 8 × 16 हो जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 8 × 16 हो गया और 8 में रूट 3 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 8 रूट 3 हो गया। अब उसके बाद देखिए 8 रूट 3 हो गया, 8 × 16 और 8 √3, तो ये देखिए एक मिनट यहाँ जो है ना 4 3 7 और 4 3 12 ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, छूटा है माइनस रूट 3 प्लस 3 प्लस 8 7 प्लस 2 4 3 12 4 3 12 ठीक तो है, माइनस रूट 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस 8 यहाँ हो गया, दो का ऐसा नंबर जो है ना ढूंढते हैं जिसका स्क्वायर रूट जो है ना जिसका जोड़ने पर 7 हो जाए उसी को गुणा करने पर 12 हो जाए, तो रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 3 यानी 4 3 7 4 3 12। अब उसका देखिए 3 प्लस यहाँ हो गया 8 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 8 × 16 प्लस 8 √3। अब उसके बाद देखिए ठीक है माइनस रूट 3 प्लस 16 3 कितना हो गया 19, 16 3 कितना हो गया 19 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ना 4 × 8, तो देखिए यहाँ पर जो है 2 लगा देंगे और 4 जो बचेगा वो अंदर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 16 3 48। अब उसके बाद देखिए इसको जो है ना ऊपर में लेकर जाते हैं, नीचे में दिखाई नहीं देता होगा। अब देखिए यहाँ जो है रूट अंडर माइनस रूट 3 है प्लस, अब देखिए दो ऐसा नंबर सेलेक्ट आउट कीजिए जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए 19 हो जाए और उसी को गुना करने पर कितना हो जाए 48 हो जाए, तो 16 3 19 16 3 48, तो देखिए 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और रूट 3 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो गया और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया ए हो गया। तो देखिए 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है यदि दो श्रेणियों 3 प्लस 10 प्लस 17 डॉट डॉट आगे तक जो है ना
ऐसा ही नंबर है तथा 63+65+67 डॉट डॉट आगे की ओर जाना नंबर इसी तरह से दिया हुआ है कि एनवी टर्म बराबर है तो एच का मान ज्ञात करें। ये भी जब 2011 में बिहार एसएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। देखिए इस चैनल से आप अगर जुड़ जाते हैं तो आपको जो है ना बैंक रेलवे एसएससी और जो भी जो है ना गवर्नमेंट जॉब के जो है एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको जो है ना सभी एग्जाम में जो भी जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जाम में जो है ना आपको फाइनल जो है ना सिलेक्शन दिलाएगा और फाइनल जो है ना सभी में फायदा करेगा, बहुत ही बेहतर फायदा करेगा। इसलिए जो है बार बार आपको बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि जो है जो भी डाउट होगा आपको तो उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। क्योंकि जो है आप अगर जो है कमेंट कीजिएगा तभी तो हमको मालूम चलेगा कि आपको कौन सा बीमारी है, नहीं तो जो है हमको क्या पता चलेगा। हम तो जो है वीडियो बनाते ही जाएंगे लेकिन आप लोग जो है ना प्रॉब्लम ही परेशानी नहीं बताइएगा तो फिर हम कैसे बताएंगे और कैसे हम जो है ना उस टॉपिक पर जो है काम करेंगे। इसलिए जो है इस चैनल पर जो है ना पूरा 100% भरोसा कीजिए और पूरे जो है ना अभी नंबर सिस्टम पर 1000 क्वेश्चन करवाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना जो भी टॉपिक है यानी जितने भी मैथ है सब जो है ना मैथ में जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक पर जो है ना वीडियो आपको पहुँच जाएगा आप तक और सारे क्वेश्चन को जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ शॉर्ट वे में। तो आप जो है ना देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, यदि दो श्रेणियां इतना देर बोल रहा है और बोलता है कि जो है ना एनवी टर्म क्या है बराबर है तो एन का मान ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म हो गया आपका ये ए हो गया और डिस्टेंस जो है कितना का डिस्टेंस दे रहा है, डिफरेंस जो आपका दे रहा है 7 का डिफरेंस दे रहा है, हर जगह पर जो है ना 7 का डिफरेंस दे रहा है। और यहाँ पर जो है ना फर्स्ट टर्म क्या है ए जो है आपका 63 है और डिफरेंस जो दे रहा है कितना का डिफरेंस दे रहा है, समय जो है ना 2-2 एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है, डिफरेंस है यहाँ पर 2 का। तो हमको जो है ना एन का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए फॉर्मूला होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी इज इक्वल टू, दोनों टर्म जो है क्या बराबर है तो यहाँ देखिए ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखिए ए जो है हमारा क्या है यहाँ फर्स्ट वाला में क्या है हमारा ए 3 है प्लस एन माइनस 1 गुने डी, डी कितना है 7 है बराबर में, देखिए यहाँ ए क्या है 63 है प्लस एन माइनस 1 गुने डी, डी क्या है डी जो है मेरा 2 है। अब देखिए 7 × 1 = 7 हो गया माइनस 7 हो गया बराबर में, देखिए 63 हो गया ये प्लस 3 इधर क्या हो गया माइनस 3 हो जाएगा तो डायरेक्टली लिख देते हैं 60, 63 में से 3 गया तो 60 हो गया प्लस 2n माइनस 2। अब देखिए यहाँ हो गया 60 में से 2 गया तो कितना हो गया 58, 60 में से 2 गया तो 58 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ 7n है यहाँ प्लस 2n है इधर आके क्या हो गया 5n हो गया और यह हो गया 58, 58 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 58 में 7 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए n बराबर कितना हो गया 13×5 = 65 तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी 13 हो गया आंसर। अब देखिए 2×100 में 3 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें, तो देखिए जब पर भी जो है इस तरह का क्वेश्चन बोल देगा ऊपर वाला नंबर नीचे वाला से 1 से छोटा रहता है तो जब पर भी जो है ऊपर वाला नंबर 1 से छोटा रहता है नीचे वाला नंबर से तो हम पावर को देखते हैं, अगर पावर इवन में रहता है तो इसका रिमाइंडर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इसका रिमाइंडर जो है ना आपका ऑलवेज 1 हो जाता है। अगर पावर जो है ऑड में रहता है तो उसका बेस ही रिमाइंडर हो जाता है। क्योंकि देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है a माइनस 1 कंप्लीट टू द पावर n बटा में a रहता है तो इसका रिमाइंडर जो है ना क्या होता है, जब जो है ना ऊपर वाला नंबर नीचे वाला से 1 से कम रहता है और पावर जो है ना तब हम पावर को देखते हैं, अगर पावर जो है इवन में रहता है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है 1 हो जाता है और जो है ना पावर अगर ऑड में रहता है तो रिमाइंडर उसका बेस ही हो जाता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करते, देखिए 3×1989/7 में प्राप्त शेषफल ज्ञात करें तो कैसे शेषफल ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो है ना शेषफल ज्ञात करने के लिए हम कंडीशन बता चुके हैं, आप जो है ना मेरे पिछले वाला वीडियो में देख सकते हैं जाकर सारा जो है ना डिटेल्स में बताया हुआ है। अभी यहाँ जो है ना क्वेश्चन जो है ना डिटेल्स में सबको बता रहे हैं, नंबर सिस्टम में जितने भी प्रश्न है सबको जो है ना सॉल्व कर रहे हैं 1 by 1 करके। यहाँ देखिए 3×1989 है तो 3×1989 है यानी 3×1 हम कितना रखेंगे ताकि 7 से भाग देने पर शेषफल मेरा जो है ना 1 हो जाए,
तो 3 के पावर अगर हम 6 दे देते हैं तो 3 के पावर 6 कितना हो जाता है, 729 हो जाता है। और 729 में अगर 729 में 7 से भाग दे देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है 3 है, 1989 में क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो मेन पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए 6 3 का 18, 6 का 6 रिमाइंडर बच गया आपका 3, बटा में कितना हो गया 7। अब देखिए 3 का पावर 3 मतलब 27 बटा 7 हो गया, तो रिमाइंडर मेरा फाइनली कितना आ गया, 7 3 का 21 रिमाइंडर आ गया आपका 6 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 25 के पावर 26 में 24 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो 25 के पावर 26 है बटा में 24 है। तो देखिए 24 से जब ऊपर में हम भाग देंगे, 25 में भाग दे देंगे, तो जब पर भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाला से 1 से ज्यादा रहता है तो एकदम वेरी इजी वे में जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 24 से 25 में भाग दे देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 के पावर कितनों भी रहेगा तो क्या होगा, 1 के पावर कितनों भी रहेगा तो 1 ही हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपका यहाँ क्या हो गया, 1 के पावर कुछ भी हो गया तो 1 ही रहेगा और रिमाइंडर जो है मेरा हो गया 1। ऊपर वाला जो है ना रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब उसके बाद देखिए 67 के पावर 67 है प्लस 67 में 68 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए 67 के पावर 67 है प्लस 67 में 68 से भाग देकर जो है शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला नंबर 1 से कम है, जब पर भी 1 से कम रहता है तो पावर को हम देखते हैं, अगर पावर ऑड नंबर में रहता है तो बेस ही उसका आंसर हो जाता है। और यहाँ 67 ऑलरेडी पहले से है, बटा में कितना हो गया 68, सबको जोड़ देंगे कितना हो गया 6 2 12 1 13 और 68, इससे अगर हम इसमें डिवाइड दे देते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, तो रिमाइंडर मेरा जो है ना 66 आ जाएगा, 8 6 14 6 12 1 13 ये हो गया हमारा रिमाइंडर, 66 हो गया आपका रिमाइंडर। तो अभी तक 8 क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब देखिए इसी तरह बने रहिए वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 के पावर 8 प्लस 1 में 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, तो कैसे शेषफल ज्ञात करेंगे, तो देखिए 9 के पावर 8 प्लस 1 बाय कितना है 8 है। अब देखिए इसमें जो है 9 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 के पावर 8 क्या हो गया, 1 ही हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 2 बाई 8। अब देखिए रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, रिमाइंडर मेरा जो है 2 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 1, m, n 3 पूर्णांकों का गुणनफल -175 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए। तो देखिए ये जो है a 1 हो गया, m हो गया, n हो गया, तो ये जो ना तीनों को निगेटिव लेंगे तब ये ना जो है ना मान -175 होगा। तो देखिए ये तो होगा नहीं और ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं और ये वाला अगर हम निगेटिव ले लेते हैं तीनों को, तो यहाँ पर जो है ना तीनों को जो है ना अगर मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके एन से भाग दे देंगे तो -175 लाना पॉसिबल है। ये भी जो है बिहार SSC में 2011 में पूछा गया। जो भी स्टूडेंट बिहार SSC के भी जो है तैयारी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं तो वो जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए यहाँ जो है ना 1m/n, तो देखिए 1 भी जो है ना माइनस में होना चाहिए और m भी जो है ना माइनस में होना चाहिए और n भी जो है ना माइनस में होना चाहिए, तब ये ना जो है ना गुणनफल करेंगे तो -175 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती, 15 मिनट प्रतिदिन आगे हो जाती है, फिर 12 बजे दोपहर में इसका समय सही मिलाया गया, 12 बजे दोपहर में इसका समय सही मिलाया गया, प्रातः 4 बजे यह समय दिखाएगा। तो देखिए सुबह का जो है 4 बजे यह समय दिखाएगा, कितना आगे दिखाएगा, तो देखिए यहाँ जो है ना बोला एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, तो एक दिन में 24 घंटा हो जाता है, तो 24 घंटा में कितना मिनट आगे हो जा रही है, 15 मिनट। तो देखिए 12 बजे दोपहर में है ना इसका समय सही मिलाया गया, प्रातः 4 बजे यह समय कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 4 कितना हो गया 16, तो 16 घंटा में कितना हो जाएगा, तो देखिए 16 × 15 बटा में 24 कट गया, दो बार में ये तीन बार में कट गया, पांच बार में कट गया, 5 × 2 = 10, यानी कि 10 मिनट हो गया है ना, यानी 10 मिनट जो है ना आगे चला जा रहा, तो 4 बजे यह समय दिखाएगा, 4:10 दिखलाएगा, तो प्रातः जो है ना 4 बजे 4:10 हो जाएगा,
तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। और वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मस्त मगन के साथ जो है ना एकदम रूम में पैक हो जाइए और बिहार एसएससी के दबा के एकदम तैयारी कीजिए। इस बार तो आग नहीं तो पार एकदम फोड़ देना है, बिहार एसएससी को तो फोड़ देना है। थैंक यू।